स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल खोकर एंजो ट्रेवल्स में। आज हम आपको लेके आए हैं जोधपुर शहर के एक घंटाघर मार्केट में, जो कि सरदार मार्केट है। मेरे साथ में है मनसब, और आप देख सकते हैं जोधपुर शहर का घंटाघर, ये जो मार्केट सरदार मार्केट, ये घंटाघर यहाँ का, और वो आपको मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है। और ये देखें आप घंटाघर मार्केट की दुकानें, और पीछे जो आपको पोल दिखाई दे रही है, ये दुकानें चारों तरफ 25-25 दुकानों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, यानी चारों तरफ 25-25-25-25 इस प्रकार दुकानें हैं, और जो किराए पर दी हुई है। ये देखें आप मेहरानगढ़ फोर्ट कितना खूबसूरत दिखाई देता है यहाँ से, और ये घंटाघर, ये इसकी घड़ी। तो दोस्तों इसकी ख़ास बात यह है, यह घंटाघर जो है आज से करीब 200 साल पहले बनाया हुआ है, और इसकी जानकारी में हम आपको बताते हैं। ये शहर के बीचों बीच स्थित एक क्लॉक टावर है और मार्केट है। तो यह शानदार मार्केट है और यात्रियों के लिए घूमने की खास जगह है। तो इस घंटाघर मार्केट का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था, और यहाँ जो कंपनी है क्लॉक टावर की कंपनी है, और इसके अलावा क्लॉक टावर को उस कंपनी से ख़रीदा गया है जिसे लंदन में क्लॉक टावर बनाया गया था, और इसकी कई दुकानें भी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत चौकोर ये मार्केट है, पत्थर की, या यूँ कहें आठों दिशाएं, अष्टकोणीय बाड़ की भांति ये बना हुआ है। और ये देखें ऊपर नाम लिखा हुआ है सरदार मार्केट। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, यहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। शाम के बाद में यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहता है। और ये घंटाघर जो है आपके इस चार मीनार है, यानी इस मीनार को आप इसमें 10 रुपये का टिकट दे के जा भी सकते हैं। ये बाहर देखें आप खिलौने वाले दुकानें, और ये मंदिर है इसके बाहर। और दोस्तों अब हम इस घंटाघर से बाहर आ चुके हैं, और देखे हैं घोड़ा गाड़ी में टांगे में, तो हम यहाँ से अब जा रहे हैं पावटा की तरफ। तो घंटाघर अपने आप में बहुत अच्छा है, देखने का अनुभव इसका कुछ अलग ही है। आप आएँ और कभी ज़रूर देखें इस मार्केट को, बहुत खूबसूरत जगह है ये, और ये सरदार सिंह जी के द्वारा बनाया गया है। और ये जो इसके अलावा और तो क्या है, आप देखें बाहर जो टांगा है इसमें भी आप सवारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये टांगे का सफ़र भी। तो इसके अलावा ये मार्केट है, यहाँ पे कई तरह की कलात्मक चीज़ें भी मिलती है ये नई सड़क पे, और बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ें, और सस्ता महंगा सामान विदेशी, आप देख सकते हैं ये टांगा गाड़ी, ये नई सड़क, और टांगे से हम जा रहे हैं पावटा चौराहे की तरफ। दोस्तों जब कभी आएँ तो आप ज़रूर घंटाघर मार्केट का सफ़र ज़रूर करें जोधपुर में आके। इसके अलावा मेहरानगढ़ फोर्ट की भी ये जानकारी आपको दी जाएगी अगले वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और शाम को जो घूमने का अनुभव है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जोधपुर में आपको विशेष है कि जोधपुर में गर्मी कुछ ज़्यादा रहती है, यानी यहाँ ठंड कम रहती है, तो शाम का जो मौसम है वो यहाँ पे अच्छा रहता है। और हम यहाँ से आ रहे हैं पावटा चौराहे की तरफ, ये देख सकते हैं आप हाथगाड़ी वाले, घोड़ा गाड़ी वाले, पहले रिक्शे वाले, बाइक, और चलो ये गाड़ी लोड हो चुकी है, घोड़ा टांगा लोड हो चुका है, तो अब हम यहाँ से निकलते हैं। घोड़ा गाड़ी वाले को बोल मैं खुद कह रहा हूँ भाई चलें आप जल्दी। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये बच्चा ये भी घोड़े घोड़ा गाड़ी वाला ही है, टांगे वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपको ऐसी नई नई जगह की जानकारी दी जाएगी। और इस वीडियो में कुछ कमी हो तब भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ, आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, सफ़र जारी है, चलते हैं आगे की तरफ। घोड़ो छोड़ने नहीं दो, मैं बता रहे हमारे 2 मिनट को लगे, घोड़ो खराब है, मैं दवाई दे, मैं कुल लोन के पास, अरे हमारा घोड़ो खराब फिर लेना जो मैं टिकट करवा।